हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं L&T फाइनेंस होल्डिंग कंपनी के बारे में, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस हुई है अभी 71.35 पे। ये डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल कंपनी है, मिड कैप कंपनी है। और अगर हम यहाँ पे पी रेशो की बात करें तो वो है 18.18, सेक्टर पी से बहुत कम है 26.99 से। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट। तो देखिए, 2018 से लेके 2021 की अगर हम बात करते हैं तो टोटल रेवेन्यू अगर आप देखते हैं तो वो है 10,266 और अभी हो गए हैं 14,305 करोड़ के। मतलब यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में तो ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन आप अगर यहाँ पे चेक करते हैं नेट इनकम 1,254 से घट गया है 970 करोड़ का। रीज़न, ये का जो कंपनी है ये फाइनेंस कंपनी है, तो ये जो कंपनी बोरो करती है या फिर जो इंटरेस्ट पे करती है वो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा इंटरेस्ट पे करने की वजह से इनके जो टोटल रेवेन्यू है उसके मार्जिन पर प्रेशर आता है। और जो नेट इनकम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, 1,254 से घटकर हो गए 917। मतलब यहाँ पे टोटल रेवेन्यू भले ही यहाँ पे बढ़त दिखाई दे, लेकिन जो एक्चुअल इनका प्रॉफिट है वो यहाँ पे घट ही रहा है। उसी के साथ अगर इसी के साथ आप ईपीएस की बात करते हैं तो वो भी घट गया है और घटकर हो गया है 4.20 का। अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है 63.50 की। DII यहाँ पे 4.16 लेकर चल रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन 7.86 और रिटेल इन्वेस्टर हैं वो लेकर चल रहे हैं 22.53 की हिस्सेदारी। अगर हम यहाँ पे दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो वो भी यहाँ पे 4.91% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन ही दिखाया है। अगर हम इनका रिजल्ट देखते हैं तो देखिए, यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि यहाँ पे जो इनका नेट सेल है वो है 16.26 का, और उसके बाद एक्सपेंडिचर में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो वो थोड़े बहुत एक्सपेंडिचर हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करते हैं तो जैसे कि हमने यहाँ पे पहले बात की है, जो इसके इंटरेस्ट है वो ही हो गए हैं 15.79। मतलब अगर आपके नेट सेल हो रहे हैं यहाँ पे 16.26 के, उसके बाद आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो इस पे 15.79, तो आपके पास बचता क्या है? उसके अलावा आपके पास और भी एक्सपेंडिचर हैं जो कि आपको स्पेंड करने हैं, जो कि जैसे कैपिटलाइजेशन है और बाकी के छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं, वो अगर आप यहाँ पे इंक्लूड करते हैं तो उसके बाद आपका जो नेट प्रॉफिट है वो तो यहाँ पे लॉस ही दिखा रहा है। रीजन यही है इस कंपनी का, जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो बहुत ज्यादा पे कर रही है, इसकी वजह से इनके जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो यहाँ पे घटकर नेट प्रॉफिट में यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। तो ये है L&T फाइनेंस का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में देखिए, यहाँ पे इसने 195 के हाई लगाए और कंटिन्यूसली यहाँ पे डाउनफॉल में ये चल रहा है। ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बिल्ड कर रही है, और ये जो स्टॉक है ये कंटिन्यूसली अभी बॉटम के आसपास पहुंच गया है। तो देखिए, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है और हमारा सपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे, लेकिन ये एग्जैक्टली मेजर सपोर्ट नहीं है क्योंकि ये थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हुआ है। तो हमारा जो सपोर्ट जोन है वो सपोर्ट जोन है एक रेंज में यहाँ पे, जो कि है 71 से लेके 60 के आसपास। मतलब ये जो रिवर्सल है यहाँ से एक रिवर्सल दिखा सकता है, लेकिन 71 और 60 के आसपास ये कहीं पे भी बीच में या हो सकता है यहाँ से रिवर्सल दिखाए या तो फिर 65 से ये रिवर्सल दिखाए। लेकिन जब तक ये जो स्टॉक है ये हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो है इसको क्रॉस नहीं करता, तब तक इसमें अपट्रेंड नहीं आने वाला। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक के लिए कि ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है हमारी, जो कि 80 के ऊपर है, मतलब यहाँ से उसको सबसे पहले 80 का जो ये रेजिस्टेंस है ये ब्रेक करना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो उसके बाद ही इसमें हमें एक अच्छा अपट्रेंड दिखाई दे सकता है। यहाँ पे अभी कोई बाइंग की राय नहीं है, और यहाँ पे सेल करना अगर है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है तो अगर ये यहाँ से एक बाउंस देता है ऑलमोस्ट, क्योंकि हम लोग सपोर्ट के पास हैं, अगर ये यहाँ से बाउंस देता है और 80 के आसपास जाता है तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है। तो उसके बीच में आप अपने जो भी आपकी क्वांटिटी है वो यहाँ पे थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं। तो आई होप ये जो टेक्निकल चार्ट एनालिसिस और उसके साथ जो बाकी की चीज़ें हमने इस स्टॉक के बारे में बताई है ये आपके इन्फॉर्मेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड की होगी। और अगर ऐसी बात है, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।